खोराबार थाना क्षेत्र के कुसमी कोठी निवासी जोगिंदर राजभर ने पुलिस को सूचना दिया कि एक युवक उसकी लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने सनी देओल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। पीड़ित लड़की ने सीआरपीसी की धारा 161 के तहत महिला आर्ची के सामने बयान दिया कि लॉकडाउन से पहले ही सनी देओल के साथ उसका संबंध था और उसे बहला फुसलाकर भगा ले गया था, जहां पर उसने उसके साथ गलत काम किया। क्षेत्राधिकारी कैंट सुमित शुक्ला ने बताया कि नाबालिग लड़की के पिता की तहरीर पर खोराबार थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। लड़की के बयान के आधार पर पुलिस ने धारा में तरमीम करते हुए 376 और पास्को एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत करके आरोपी सनी देओल को गिरफ्तार करके न्यायालय से जेल भेज दिया है। वहीं लड़की का सीआरपीसी की धारा 161 के तहत महिला कांस्टेबल के सामने बयान दर्ज कराया गया है। बाद में मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 का बयान भी कराया जाएगा। उसके बाद पुलिस घटना में शामिल अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार करेगी। गैंगरेप की सूचना पर क्षेत्राधिकारी कैंट सुमित शुक्ला ने बताया कि अभी तक की जाँच में गैंगरेप की पुष्टि नहीं हुई है। लड़की के बयान के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने कहा, दिनांक 18-11-20 को जोगिंदर राजभर नाम के व्यक्ति ने थाना खोराबार पे सूचना दी कि दिनांक 15-11-20 को हमारी नाबालिग पुत्री को चार लोग बहला फुसला के लेकर चले गए और दिनांक 17-11-20 को घर पे छोड़ गए। इस संदर्भ में तत्काल उनकी तहरीर के आधार पर 363-366 आईपीसी का अभियोग थाना खोराबार पंजीकृत किया गया। लड़की का महिला आरक्षी द्वारा 161 सीआरपीसी का बयान अंकित किया गया, जिसमें उसने बताया कि सनी देओल नाम के व्यक्ति से मेरे लॉकडाउन के पूर्व से संबंध थे। मेरी उससे लगातार बातचीत होती रहती थी, मेरा उससे लगातार मिलना जुलना होता रहता था। सनी देओल मुझे बहला फुसलाकर लेकर चला गया था। रोड पर उसके तीन साथी अन्य खड़े थे। बाद में सनी देओल मुझे जगह लेकर गया, जहां वो दो दिन तक मेरे साथ गलत कार्य किया। उसने ये भी बताया कि गलत कार्य मात्र सनी देओल द्वारा किया गया, अन्य किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा कार्य नहीं किया गया। लड़की की इसी 161 बैंड के आधार पर तत्कालीन 376 और 3/4 पास्को एक्ट की बढ़ोतरी की गई। मुख्य आरोपी सनी देओल को गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़की का मेडिकल कराया जा रहा है। मेडिकल उपरांत 164 सीआरपीसी की कार्रवाई कराई जाएगी। उसमें जो भी नए तथ्य प्रकाश आएंगे अन्य आरोपियों के खिलाफ भी सुसंगत धाराओं में कार्रवाई सुनिश्चित की।